सो हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, बहुत सारे लोग के मेरे पे कमेंट आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे। आप लोग बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हो कि भाई एमएक्स टकाटक पर मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, लाइक्स नहीं बढ़ रहे, व्यूज नहीं आ रहे क्या? और भाई कुछ कुछ लोगों के तो ये भी क्वेश्चन रहते हैं कि भाई क्या हम एमएक्स टकाटक पर वीडियो डालें या फिर मौज पर वीडियो डालें या फिर दोनों पर वीडियो डालें। काफी सारे लोग तो भाई दोनों पर वीडियो डाल रहे हैं, लाइक यहाँ पर मौज पर भी डाल रहे हैं, एमएक्स टकाटक पर भी डाल रहे हैं। काफी सारे लोग अभी भी एमएक्स टकाटक पर वीडियो डाल रहे हैं, काफी सारे लोग सिर्फ मौज पर ही वीडियो डाल रहे हैं, एमएक्स टकाटक को छोड़ ही दिए हैं। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, लाइक यहाँ पर एमएक्स टकाटक पर डालना है या मौज पर डालना है या फिर दोनों पर डालना है या फिर किसी एक पर ही डालना है। तो आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ प्रॉपर बताने वाला हूं और क्या क्या आपको फायदा होगा दोनों पर डालने से और क्या क्या आपको नुकसान होगा सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐप पर डालने से। तो आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाला हूं, तो वीडियो ध्यान से देखते रहना। चैनल पर तो भाई सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो आपके लिए यहाँ पर बनाता रहता हूँ सबसे पहले। और भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आईडी आपको यहाँ पर शो होती रहेगी, कोई सवाल हो तो वहाँ पर आप लोग पूछ सकते हो। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात कर लेते हैं कि भाई आपको वीडियोस कहाँ डालनी चाहिए, एमएक्स टकाटक पर या मौज पर। तो देखो, अगर आप लोग एमएक्स टकाटक पर वीडियो बनाते हो तो भाई आपको मौज पर भी वीडियो डालनी चाहिए। लाइक यहाँ पर अब ये दोनों हो चुके हैं एक ही ऐप, एमएक्स टकाटक और मौज, ये दोनों एक ही मालिक की कंपनी हो चुकी है। लाइक यहाँ पर शेयर चैट के मौज और एमएक्स टकाटक दोनों कंपनी हो चुकी है। अब आप अगर मौज पर भी वीडियो डालते हो तब भी आपको फायदा है, अगर आप एमएक्स टकाटक पर डालते हो तब भी आपको फायदा है। क्यों फायदा है? देखो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा है 20 जून या 30 जून के बाद कुछ ऐसा लिखा है, ये दोनों ऐप हो जाएंगे मर्ज। अब मर्ज का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि भाई शायद ये दोनों ऐप मिलकर एक ऐप बन जाए या फिर ये अलग अलग ही चलें, जो सारे फीचर मौज पर हैं वो सारे फीचर एमएक्स टकाटक पर भी लेकर आ जाए। तो भाई अगर आप लोग एमएक्स टकाटक पर वीडियो डालना छोड़ दोगे और मौज पर डालने लग जाओगे तो भाई देखो, अगर आपका एमएक्स टकाटक अकाउंट अच्छा खासा चल रहा है तो आप उसको भी चलाइए और मौज पर भी शिफ्ट हो जाइए। मेरे कहने का मतलब है कि आप दोनों जगह एक्टिव हो जाइए, दोनों जगह वीडियो बनाने लगिए। और ये तो आपको 30 जून के बाद ही पता चलेगा कि भाई आपको क्या करना चाहिए, एमएक्स टकाटक छोड़ना चाहिए या मौज को छोड़ना चाहिए या फिर दोनों मिलकर एक ही हो जाएंगे, फिर आपका एक बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। लाइक अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि भाई अगर ये दोनों एक हुए तो भाई आपके फॉलोअर्स का क्या होगा या फिर आपके वीडियोस का क्या होगा। तो देखो, अगर एमएक्स टकाटक और मौज 30 जून के बाद एक ही होते हैं तो भाई आपके फॉलोअर्स को कोई भी नुकसान नहीं होगा। आपके मान लिया एमएक्स टकाटक पर 5000 फॉलोअर्स हैं और यहाँ पर मौज पर भी 5000 फॉलोअर्स हैं, तो ये जब मर्ज होंगे 30 तारीख के बाद, जून के बाद, तो भाई ये सारे फॉलोअर्स मिलके आपके 10000 फॉलोअर्स बनेंगे, जाके 5000 इधर के 5000 इधर के आपके फॉलोअर्स भी मिक्स कर दिए जाएंगे। तो इसकी भी आपको दिक्कत नहीं लेनी है और आपकी सारी वीडियो भी मर्ज कर दी जाएंगी, एक ही में सारी हो जाएंगी, एक ही अकाउंट पर आ जाएंगी। तो इसके रिगार्डिंग आपको टेंशन ही नहीं लेनी है। लाइक आपने एक वीडियो बनाई, वही मौज पर भी डाल दी, वही एमएक्स टकाटक पर भी डाल दी, तो बस आपका थोड़ा एक दो मिनट का टाइम खराब होगा, बस आपके तो दोनों पर फॉलोअर्स बढ़ने बढ़ने हैं। और इनके मर्जिंग के रिगार्डिंग कि ये दोनों ऐप एक होने वाले हैं या फिर अलग अलग ही चलेंगे, इसके रिगार्डिंग मैंने एमएक्स टकाटक को मतलब मेल कर दिया है कि भाई ये एक में होने वाले हैं या अलग अलग ही चलेंगे। तो जैसे ही कोई रिप्लाई आएगा मैं आपको इसी चैनल पर बता दूंगा सबसे पहले, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, सही तरीका आपको सही डायरेक्शन दे दूंगा ताकि आप लोग इजीली से अच्छे से वर्क कर सको। तो आई होप गाइस आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो भाई इंस्टाग्राम पे आप लोग बेझिझक पूछो, जैसे मेरे पास टाइम होगा मैं आपका सबका रिप्लाई करता हूं, उसमें आपको दिक्कत नहीं लेनी, मैं सभी का रिप्लाई करूंगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।